पहले भी कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पर पूर्णिया में कोई नौगछिया से बाहर से क्रिमिनल आए और वो तय करे कि वोट किसको देना है किसको नहीं देना, ये इस जन्म में मुझे स्वीकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 11 जुलाई को पूर्णिया के रुपौली में उपचुनाव होने को है। इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई है और ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव किसका सपोर्ट करेंगे, किसका समर्थन करेंगे। जहाँ एक तरफ राजद की तरफ से प्रत्याशी बीमा भारती ने ये दावा किया है कि पप्पू यादव को उनका समर्थन मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि पप्पू यादव उनका समर्थन कर रहे हैं। वहीं अब आपको बताएं तो पप्पू यादव ने साफ कह दिया है कि वो किसका समर्थन और किस दल के साथ है। तो देखिए, पप्पू यादव का बयान आता है पूर्णिया विधानसभा उपचुनाव पर और पप्पू यादव कहते हैं कि वो कांग्रेस आला कमान का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस आला कमान की तरफ से जिसके भी समर्थन में खड़ा किया जाएगा मैं उसका समर्थन करूंगा। दरअसल पूर्णिया के रुपौली में 11 जुलाई को उपचुनाव होने को है। बीमा भारती वहां से विधायक थी, उन्होंने इस्तीफा दिया जिसके बाद वो सीट खाली हो गया है और वहां अब उपचुनाव होने को है। जहां एक तरफ वहां पर एनडीए की तरफ से जदयू के प्रत्याशी कालाधार मंडल लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से राजद प्रत्याशी बीमा भारती को लालू यादव ने पूर्णिया से के रुपौली से उतारा है। वहीं अब आपको बताएं तो पप्पू यादव का समर्थन आखिरकार किसे मिलेगा, ये पप्पू यादव ने आज साफ साफ कह दिया। उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस की तरफ से जिसका भी समर्थन किया जाएगा मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। पप्पू यादव पूर्णिया पहुंचकर क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। मैंने कह दिया है कि रुपौली में पहले भी कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पर पूर्णिया में कोई नौगछिया से बाहर से क्रिमिनल आए और वो तय करे कि वोट किसको देना है किसको नहीं देना, ये इस जन्म में मुझे स्वीकार नहीं है। रुपौली की जनता अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित और अल्पसंख्यक 90% से ऊपर, लगभग 93% जो है ये लोग कमजोर तबके के हैं और रुपौली की जनता 8 महीने के लिए वोट देगी। कांग्रेस का जिसे समर्थन है हर परिस्थिति में पप्पू यादव की वैचारिक समर्थन उस कैंडिडेट के साथ रहेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।